देश आज 77वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू को याद करते हुए झारखंड के लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, लाखों देशभक्तों की शहादत की बदौलत मिली है। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू सहित कई नेताओं को याद किया। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि राज्य सरकार कैसे सरकारी नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए नए अवसर ला रही है। समय पर रिजल्ट और नौकरी देना उनका लक्ष्य है। सीधा सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा। प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कानू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 76वें वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के मतवाले लाखों देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें यह आजादी स्वतंत्रता सेनानियों के की गौरव गाथा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो जानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश की सुरक्षा में लगे सेना के और पुलिस के वीर जवानों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ों को उनके हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और सदियों से शोषित इस वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब के महान और दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह आशीर्वाद से लगभग 3.5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य का बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरकार गठन के बाद हमने झारखंड में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए। हमने संकल्प लिया है कि राज्य की जनता के सहयोग से एक सशक्त झारखंड का निर्माण करेंगे। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़ा, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।